हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला एक होममेड एंगल ग्राइंडर मशीन, इसे जो है मैंने 555 डीसी मोटर का यूज़ करके बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये 12 वोल्ट के एडाप्टर से वर्क करता है। इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसे मैंने काफ़ी कम खर्चे में बनाया है। इसमें मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ों का यूज़ किया है जो कि आराम से लोकल मार्केट में मिल जाता है। तो इसे कैसे बनाते, इसकी फुल डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अभी से जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, इस एंगल ग्राइंडर मशीन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक पीवीसी पाइप जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और मैंने ऊपर से इस तरीके से कट किया है जैसे हम एक आगे से भी एक पीवीसी पाइप लगा सके। इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, तो हमें आगे इस तरीके से पीवीसी पाइप लगाना है। तो दूसरा पीवीसी पाइप जो है मैंने 7 या 8 सेंटीमीटर का लिया है, तो कुछ इतना आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक से इसे चिपका दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 555 डीसी मोटर। इसका जो है 12,000 आरपीएम है। इसे जो है मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। आप जो है 775 डीसी मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वायर से सोल्डर कर दिया, आप देख सकते हो। तो अब हमें जो है वायर पाइप्स के पीवीसी पाइप के अंदर हमें डालना है, कुछ इस तरीके से हमें डालना है। और वायर आप हमें जो है बड़ी रखनी है। तो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको फुल डिटेल्स मिलेगी इसे बनाने की। तो यहाँ पर वायर को इसके अंदर रख देता हूँ, आपको जो है जूम इन जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरी वायर हमें इसके अंदर डालनी है, और लास्ट में जो है हम इसे कलर भी करेंगे। तो ऐसे हम वायर निकाल लेते हैं ट्वीज़र की मदद से। और यहाँ पर मैं कॉपर की वायर यूज़ कर रहा हूँ, कॉपर वायर मेरे शोल्डर अच्छे तरीके से हो जाता है। भाई, जब तक मैं मोटर फिट कर रहा, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जहाँ पर मोटर मैंने फिट कर दी है, इसे अंदर लगा दी, और मोटर के साइड मैंने जो है टेप लपेट दिए ताकि अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाए। आप देख सकते हैं निकलेगी भी नहीं अभी जल्दी, इसीलिए मैंने टेप लगा दी। कुछ इस तरीके से मोटर फिट हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइस, मैं होल कर दे रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन से। यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर दिया है। यहाँ पर बीच में हमें एक होल कर देना है स्विच के लिए ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर मैंने छोटा सा होल कर दिया, और अब हम कैंची की मदद से ये होल को बड़ा कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से होल को बड़ा कर देते हैं हम, देख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से मैंने होल को बड़ा कर दिया, और अब जो है हमें मोटर की वायर को स्विच के लिए बाहर निकाल देनी है, उस हमने जहाँ पे होल किया था। एक ही वायर हमें निकाल देनी, कोई भी एक वायर आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एक वायर मैंने निकाल दी है, तो हमें जो है आगे मोटर के सामने कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि ये मोटर आसानी से बाहर ना निकाल सके। तो यहाँ पर हम फेविक्विक से चिपका दे, तो यहाँ पर हमने फेविक्विक से चिपका दिया अच्छी तरीके से, देख सकते हो। और आप जो है पाइप के साइड साइड में एमसील भी लगा सकते हो। मेरे पास अभी एमसील अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पर हमने चिपका दिया, और मैंने जो है स्विच की एक वायर और मोटर की एक वायर नीचे से निकाल दिया, और एक पुश स्विच लगाया, आप देख सकते हो। ये स्विच आराम से आपको 10 रुपये में लोकल मार्केट में या फिर हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक यूज़ कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट USB सॉकेट, देख सकते हो फीमेल सॉकेट है। इसके अंदर जो हम 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वायर निकाली, इसे मैंने नीचे कुछ इस तरीके से सोल्डर कर दिया, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल साइज़ की शीट ले रहा हूँ, बीच में इसे एक होल कर दिया है। अब हमें फेविक्विक से इस तरीके से चिपका देना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें चिपका देना है फेविक्विक की मदद से। तो यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया अच्छी तरीके से, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर इस तरीके से चिपका देना है हमें। ये जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली, लास्ट में आपको इसकी टेस्टिंग भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से चिपकाने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग। गाइज, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो प्रोजेक्ट के आइडिया, जो कि मैं एक वीडियो में जरूर बनाने का ट्राई करूँगा। मेरे माइंड में कुछ आइडियाज भी नहीं है, आप आइडियाज़ दे सकते हो मुझे कमेंट्स में। यहाँ पर फिर से मैंने इसे चिपका दिया, देख सकते हो। तो
यहाँ पर गाइस मैं एक एंगल ग्राइंडर की ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि जो है मुझे हार्डवेयर के शॉप में सिर्फ 15 रुपये की मिली है। ये पुरानी ब्लेड है और देख सकते हैं, और मैंने सामने से टायर लगाया उसके उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से फेब्रिक से मजबूती से चिपका दिया है, ताकि वो निकले ना घूमते वक्त। और पीछे मैंने एक शाफ्ट भी लगाया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर लिया ड्रिल चक्का, जो कि हमारे 555 DC मोटर में फिट होता है। ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप ड्रिल चक के अलावा कुछ जुगाड़ भी कर सकते हो इसे लगाने के लिए। यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसे टाइट कर देता हूँ, देख सकते हो इस तरीके से टाइट कर दिया। आपको जो है लूज़ नहीं रखना है, टाइट ही रखना है, वरना लूज़ रखोगे तो वो घूमते वक्त कभी भी निकल सकता है और वो डेंजरस हो सकता है। तो प्लायर से मैं अच्छी तरीके से इसे टाइट कर देता हूँ, ताकि वो निकले ना। देख सकते हो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है। चलिए अब हम जो एंगल ग्राइंडर मोटर के शाफ्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एलन की भी यूज़ कर रहा हूँ लगाने के लिए। इसके साथ ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है एलन की को। अब घुमाएंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे इस तरीके से। गाइस एंगल ब्लेड आप जो है ज़्यादा नई वाली यूज़ करना, ताकि नई वाली में जो है ज़्यादा शार्पनेस होती है और वो नई नई अच्छी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा दिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये बनके रेडी हो चुका है, फाइनली फुल बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब जो है हमें कलर करना है, तो मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली इसे मैंने कलर कर दिया, कुछ इस तरीके का कलर लग रहा है। और गाइस वो पुश स्विच मैंने लगाया था वो ख़राब निकला, इसीलिए मैंने छोटा साइज का पुश स्विच लगाया है। आप जो है पुश स्विच वर्किंग वाले यूज़ करना। और मैंने वहाँ पर साइड में टेप से लगाई, ये देख सकते हो, ताकि वो अच्छी तरीके से फिट हो सके। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो 12 वोल्ट का एडाप्टर है। तो आप जो है 1 एम्पीयर यूज़ कर सकते हो, 2 एम्पीयर भी यूज़ कर सकते हो, और 3 एम्पीयर भी, या फिर आप जो 24 वोल्ट से भी इसे चला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे प्लग कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो आपको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी स्पीड से ये चल रहा है, देख सकते हो आप लोग काफ़ी स्पीड है इसे। तो चलिए अब इसकी जो है टेस्टिंग के ऊपर आते हैं। तो हमारे टेबल पे गंदगी ना हो पीवीसी की, इसीलिए मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आया हूँ। तो इस पाइप को मैं आपको कटआउट करके दिखा देता हूँ, या ऐसे लाइन स्ट्रेट कट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए आप इसकी टेस्टिंग देख लें।